गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज अंकिता। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो मानसून को। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियो, राइट? सो आज मैं ऐसा चीज़ बोलने वाली हूँ, जब सोचिए हम लोग फेस्टिवल टाइमिंग हो, पैंडल हॉपिंग कर रहे हो और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो उस टाइम कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि पैंडल हॉपिंग के वजह से हम लोगों के स्किन में थोड़ा टैन पड़ गया है, तो उसको थोड़ा रिमूव करना होगा, लेकिन कैसे? सो उस टाइम कभी कभी पार्लर भी क्लोज रहते हैं, तो पार्लर अगर क्लोज रहेगा कैसे आप घर में बैठ के इंस्टेंट अपने स्किन को ग्लोइंग टैन रिमूवल स्किन गिफ्ट करेंगे खुद को? उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के। तो फेस्टिवल सीजन में ऐसा होता है कि हम लोग हर टाइम उस पैंडल हॉपिंग में बिजी रहते हैं, राइट? तो जितना भी फेस्टिवल के पहले हम लोग पार्लर जाए, पार्लर से बहुत कुछ करा के आए स्किन के लिए, हेयर के लिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि आज मैं पूरा दिन पैंडल हॉपिंग की हूँ, तो इसके वजह से पॉल्यूशन, टैन, ये सब हम लोगों के स्किन में आ जाता है, तो कैसे उसको रिमूव करें, क्योंकि फिर से नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना पड़ेगा पैंडल हॉपिंग के लिए, राइट? तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं कि कैसे नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करें एंड बहुत ही अच्छे से और खुद को बहुत अट्रैक्टिव लगे, राइट? तो उस टाइम हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि हम लोग फिर से पार्लर जाए, या पार्लर भी अगर जाने का टाइम भी रहता है लेकिन पार्लर उस टाइम क्लोज भी रहता है, तो उस टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला हिमालया टैन रिमूवल ऑरेंज पिल ऑफ मास्क। ऑरेंज पिल ऑफ मास्क आप वीक में एक बार या दो बार यूज़ कर सकते हो एंड हिमालया दावा करते हैं कि ये आप जब पहला यूज़ करेंगे उसी टाइम से आप अपने स्किन का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑरेंज पिल ऑफ मास्क में ऑरेंज के साथ साथ है हनी। ये ऑरेंज एंड हनी का कॉम्बो बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, क्योंकि हनी आपके स्किन को देता है ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज स्किन एंड उसके साथ साथ ऑरेंज होता है आपके स्किन स्क्रबिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए कैसे इसको यूज़ करना होता है, कितना टाइम के लिए रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट आप आपके स्किन में यूज़ करने के पहले ज़रूर एक पैच टेस्ट करा लीजिए। नहीं तो कभी कभी अगर पैच टेस्ट नहीं कराएंगे तो डायरेक्टली अगर आप फेस के स्किन में यूज़ करेंगे वो अगर आपके लिए कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट आपके स्किन में या आपके फेस में अप्लाई करने के पहले ज़रूर एक पैच टेस्ट करा लीजिए। तो चलिए अभी दिखा देते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है और कितना टाइम के लिए इसको रख। सो सबसे पहले कोई भी फेस मास्क अप्लाई करने के पहले अपने फेस को प्लेन वाटर से बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। जैसे मैं क्लीन करके ऑलरेडी आ गई हूँ, मेरा पूरा मेकअप रिमूव कर ली हूँ, नो मेकअप लुक है ये। उसके बाद इसको ऐसे अपने उंगलियों में ऐसे करके इसको ले लीजिए। ये थोड़ा जेल टाइप में रहता है, इसको अपने हाथों से फुल फेस पे अप्लाई करना है, ओनली ये आई साइड को छोड़ के। अप्लाई कर ली हूँ, अभी इसको 15 टू 20 मिनट्स तक रखना पड़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। सो अभी ये पूरा ड्राई हो चुका है, इसको मैं अभी रिमूव करूँगी। और कोई भी फेस मास्क को आप जब रिमूव करेंगे ना, तो हमेशा ये नीचे के तरफ से करना। Oh, 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 oh
पिंपल्स के बाद कितना ग्लोइंग स्किन। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कितना हेल्पफुल रहा वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड मेरे चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते कोई नया चीज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।